एक तेज बेलगाम कार ने लगातार दो टोटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे चार लोग पूरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज भागलपुर की मायागंज अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही यह टक्कर हुई, आसपास के लोगों ने आनन-फानन में सभी घायलों को उठाया और इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां दो व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने की है। टोटो चालक रणदीपुर का रहने वाला है। उसने बताया कि जिस कार ने टक्कर मारी, वो काफी तेज गति से विपरीत दिशा से आ रही थी। इसके बाद कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और दो ई रिक्शा और एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण चार यात्री बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों में दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद यातायात थाना पुलिस और तिलकामांझी थाना पुलिस पहुँच कर जाम को छुड़वाया। कैसे हुआ? दोस्तों आगे बैठे हुए थे, आगे धक्का मार दिया कार वाला। कौन मारा धक्का? कार वाला आ रहा। कितने लोग घायल हुए इसमें? हम दो टा बैठे थे, दो टो के फीलिंग है। हेलो, एक लड़का बात हम आगे बैठे हुए थे, कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे हम खलीफाबाद। जा कहाँ रहे थे? जीरो मारा सर, हम इधर से जा रहे थे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम इधर से जा रहे तो वही सामने से आके जोर से मार दिया। कौन गाड़ी धक्का? कौन गाड़ी धक्का मारा? कितना टोटो घायल हुआ है? दो टोटो। और गाड़ी भी घायल हुआ है उसका? उसका भी घायल हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र कुमार। कहाँ से हैं? प्रगतिपुर। भागलपुर के नए नगर आयुक्त के रूप में नितिन कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन, अस्थायी समिति के सदस्य और पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता, रंजीत मंडल सहित कई पार्षदों ने नगर आयुक्त को बूके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस दौरान नगर आयुक्त को महापौर और पार्षदों की टीम के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। इस दौरान नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त ने कहा कि पार्षदों की समस्याओं को जानकर जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मेन जो हम लोग की प्रायोरिटीज रहेंगी वो साफ सफाई का रहेगा, और स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको कम्प्लीट कराना है जल्दी से जल्दी, और हर एरिया में काम हो, ये हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा। पार्षदों से बात की, क्या समस्या कई सारी इश्यूज हैं उन्होंने बताया, उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक एक करके। मुख्य समस्या सर सारे में क्या बताया गया? साफ सफाई का समस्या बताया गया, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। नवगछिया के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस संबंध में एसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। नवगछिया के यातायात थाना में एक पदाधिकारी और 13 पुलिस जवान की प्रतिनियुक्ति है। सभी को वायरलेस सेट दिए जाएंगे ताकि जहां भी जाम लगे इसकी सूचना अविलंब दी जा सके। गोपालपुर के लतरा गाँव में पैदल पेट्रोलिंग की गई, लोगों से अपराधियों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सड़क लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे, साथ ही साथ इलाके के टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस संबंध में नवगछिया के सभी SHOs को DSPs को बताया गया कि हमें क्राइम पे नियंत्रण करना है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार करना है। किस तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना? अभी हम लोगों ने जैसे इस मीटिंग में बात करी, मुझे पता लगा कि यहाँ एक ऑफिसर है और उनके साथ 13 सिपाही हैं। उनका प्रतिनियुक्ति विभिन्न विभिन्न जगहों पर है। मैं उन जगहों पर चेक करके उसको दोबारा अगर हो सके तो जरूर दूसरे ढंग से प्रतिनियुक्त करूँगा। साथ ही साथ उन सभी को एक वायरलेस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो हम लोगों से हमेशा कनेक्ट रहें, ताकि यदि कोई जाम लगता है कहीं लगता है तो सभी थाने को और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसकी सूचना प्राप्त हो सके, जिससे कि हम अतिरिक्त बल वहाँ भेज सकें। आज भी हम लोगों ने लातर गांव में पेट्रोलिंग की है, फुट पेट्रोलिंग भी की है, तथा उसके अलावा हम लोग गाड़ियों से भी कई इलाके में घूमे हैं। काफ़ी कंबाइंड टीम थी हमारी, हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे उन इलाकों में, ताकि उस इलाके में क्राइम कम से कम हो। टॉप 10 अपराधियों के लिए क्या है सर? जी, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मैंने मंगाई है, अभी आकर के मैं उस पर बात करूंगा कि कितने अपराधी इसमें पकड़े जा चुके हैं और कितने पकड़ना शेष हैं। सड़क लूट जो आपके यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती है? जी जी, मैं इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे करवा रहा हूँ। हम लोग ई प्रिजन की वेबसाइट भी खोल रहे हैं कि पुराने कौन से अपराधी हैं जो इस तरीके से अपराध किए हैं एवं जेल गए हैं, हम सभी पर एक चेक रखेंगे। ये जो सामाजिक आपराधिक जो घटना है दियारा की है, जैसे वो यहाँ पे कोसी और गंगा है, दोनों के बीच में जमीन विवाद,
इस संबंध में एक बार फील्ड विजिट कर लूंगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है तो मैं काफी जगह अभी नहीं घूम पाया हूं। घूमने के बाद ही मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे पाऊंगा। सोशल मीडिया और सबको लेकर क्या, हम लोग एक सोशल मीडिया सेल बनाने वाले हैं। आज इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसमें हम एक पदाधिकारी एवं कुछ सिपाही को रखेंगे, जिसके बारे में समय समय पर पुलिस की जो भी गतिविधि हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, हम लोग जिस इलाके में मूव कर रहे हैं, जो भी अपराधी पकड़ रहे हैं, कोई शराब, कोई आर्म्स या कुछ भी हम रिकवरी कर रहे हैं, उसके बारे में ससमय मीडिया को जानकारी दी जाएगी। शराबबंदी के बाद कई तरह के नशा इसमें बिहार में पनप रहा है, जैसे इसमें हो गया, गाजा हो गया, इस सब को लेकर क्या कुछ हो रहा है एक्शन? इन पर समय समय पर हर जिले में कार्रवाई की जाती है, मुझे उम्मीद है नौगछिया में भी कार्रवाई की जा रही होगी एवं आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। शराब बरामद को लेकर मैंने अभी रिव्यू किया था, किसी भी थाने में कोई ऐसा शराब विनष्टीकरण के लिए नहीं बचा जो बहुत बड़ी खेप में हो, छोटी छोटी मात्राओं में हम लोग इसको भी शीघ्र ही विनष्ट करने का प्रयास करेंगे। दियारा में फसल के लिए खेती खत्म होगा, लोग फसल मार्च से कटिंग करेंगे एक महीने बाद, इसके लिए तैयारियां घुड़सवार रहता था, एसटीएफ रहता था। जी, इस संबंध में देख लेता हूँ कि पूर्व के वर्षों में क्या किया गया, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है तो बहुत ज्यादा अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में राहुल गांधी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस नफरत की विचारधारा कर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है एक बार देश का एक्सरे हो जाए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सरे रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ जाता है और जब देश का एक्सरे होगा तो जनता स्वयं निर्णय लेगी कि कौन सही कौन गलत। हम न्याय यात्रा में 5 न्याय की बात करते हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है, केंद्र सरकार में ओबीसी दलित आदिवासी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आज के दिन ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया, बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। ये हुई बात सामाजिक न्याय की, अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया,
मकाने वाला माला उसको लाइए यहाँ से, कहाँ है वो? थोड़ा मजा भी आना चाहिए। यही टॉपिक, यही मुद्दा। भैया न्यूज करो ना यार, तुम क्या है कांग्रेस बन रहे हो? ये देखो कितना खून पसीना है, सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये, आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है बिहार ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो का जो माला है ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो का बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 150,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी, 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है। और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा क्या खा रहा है? ये क्या खा रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 150,000 रुपए के लिए बिक रही है, आप हैरान हो गए। एक लाख 50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने, इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं? सबसे बड़ा अन्याय है वो, जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 150,000 रुपए की माला है तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाए। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसकी उसको अपनी मेहनत का सही फल तो मिले। और जहां भी देखो हिंदुस्तान में, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जहां भी देखो जो गरीब है, कमजोर है, हाथ से काम करता है, उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में। तो ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक, किसकी कितनी आबादी है,
ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और उनमें से कितने गरीब हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितने कंपनी में काम कर रहे हैं, देश का एक्सरे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, डेढ़ लाख रुपए के की माला में से हमारे किसान को 2,500-3,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे? यही दो सवाल है हिंदुस्तान के सामने। बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है। अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है, बिहार को क्या करना है? हजारों साल से यह प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है तो बिहार से जागता है। गांधी जी के आज हम याद कर रहे हैं, उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। राधा रानी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले भागलपुर के जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिस 2023-24 का भव्य आयोजन हो रहा है। इस मॉडलिंग शो में मिस बंगाल खुशी मंडल, मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल अभिषेक पांडे, मिस्टर लखनऊ शिवम सिंह भी शिरकत करेंगे। वहीं आयोजक चंदन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है गरीब तबके के जो कलाकार है उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन्हें प्लेटफॉर्म देना और अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करना। गौरतलब है कि इस मॉडलिंग शो में भागलपुर जिले के अलावे कई जिलों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 31 जनवरी को भागलपुर के स्थानीय रेस्टोरेंट जंगली जंक्शन में आयोजित किया जा रहा है। ये राधा रानी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हो रहा है और ये मंच ऐसा होता है कि छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलते हैं, तो ये मतलब उनके तरफ से ऐसा मतलब संदेश है कि जो लोग ये चीज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मौका मिला है उन लोगों को जो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसा करना है मॉडलिंग में, अगर इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। हमारा आयोजन है अभी मिस्टर एंड मिस मुंगेर, जिसका फिनाले हमारे नवम्बर में लिया था और कल 31 जनवरी को इसका ग्रैंड फिनाले है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा ये है कि जो भागलपुर हो या मुंगेर जिला हो या जमालपुर या और भी जितने भी छोटे छोटे जगह हैं, जो बच्चे आपके अंदर प्रतिभा है वो किसी कारणवश अपने प्रतिभा को कहीं सामने नहीं ला पाते हैं, तो उनके प्रतिभा को मैं खोज खोज के यहाँ पे लाऊंगे और यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे उसे स्टेट लेवल पे प्रमोट करना है और फिर नेशनल लेवल पे प्रमोट करना है, फिर ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपना कैरियर एक बना सकें इस लाइन में। आज क्या कर रहे हो? आज हमारा जो है अभी रिहर्सल चल रहा है कल फिनाले का, सारे बच्चे कल जो परफॉर्म करेंगे उनका एक अभी हम लोग रिहर्सल करवा रहे हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी पिंकी देवी ने अपने पड़ोसी अश्वनी यादव और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस आरक्षी अधीक्षक को एक लिखित शिकायत की है। उसने अपने खपरेल घर को तहस नहस करने और मारपीट का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाओं ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। सूत्रों की माने तो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है और जो लंबे समय से चल रहा है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस महिला की शिकायत पर वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ? मामला है जमीन झगड़ा, बार बार ने कहे कि तो चल मेल माफ करे ला। कौन कहता है? अश्वनी यादव, राजीव यादव, संजय यादव। कौन लगता है आपका? वो सब लगता है जात गोतिया छिके, जात लगे छी। जमीनी भी बात चल रहा है? हाँ, जमीनी चल रहा है। शिकायत आपने थाना में किया है, कहीं किया? हाँ, थाना में भी किया है, कोर्ट में भी किया है। तो क्या बोला थाना वाला? थाना वाला बोला की तोरा सबका हवाई अड्डा थाना बोला बना के रख दिया है, जाओ न से मादर चौध भोसरी वाली नौ सीख लो थानों से, न तो दोनों को नो नोनेंगे। कौन थाना बोला?
जीरो माल थाना। एसपी के यहाँ भी गए थे? हाँ एसपी यहाँ गए थे। क्या बोले वहाँ? एसपी ने कागज लिया, बोला कि थाना थाना जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। घर? पति जगह सर ज्यादा। इसका अपना गोतिया हुए हैं। वो तो मेरा ससुर का भाई जो है ना, ददिया ससुर का, वो अलग, वो सब चार भाई है। हम लोग ससुर मेरा दो भाई है, दो गो में एगो को दो बेटा, एक के बेटा है और एगो को सात बेटा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इसको मार रहा है सर, इसे मेरे सास को मारता था, वहाँ पर छोड़ छाड़ के वहाँ चला गया। वहाँ भी जमीन है जहाँ झगड़ा चल रहा है जमीन का। नहीं, इन शॉर्ट में यह कहा जाए कि जमीनी विवाद आप लोग पुराने समय से है। तो हम लोग बोलते हैं सर कि इसका ससुर को मार के टेगा तोड़वा दिया और जमीन तो झूठ सच में जे भी लिखवा लिया सर। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर जे लिखी दिलका तो कागज दस्तावेज दिखा दो और तो जमीन जे लिख के ले। इतना दिन से चल रहा है, इस पर मर्डर भी हो गया सर। पुराना आदमी है आप चाची, इतना दिन से विवाद चल रहा है तो आप लोग मुखिया सरपंच। मेरा बड़ा, सुनिए ना, मेरा बड़ा भला भैसुर जो था अशोक यादव, वही केस किया। केस उसको कोई हार्ट बीमारी आया, वो मर गया सर। मर गया तो वही केस वो पढ़ा लिखा था। हम लोग इधर सातों भाई मूर्खा चंडाल है, तो इसी में लोग पढ़ा लिखा बोलता है कि मेरा दादा पढ़ लो, तोरा दादा मूर्खा की कर। तो क्या क्या हुआ है विवाद? क्या विवाद? वही जमीन में जो है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि झड़ा लड़ा करी कर भा, तो जे जे जमीन जे लिखी दे ककरो हो गेले। पूरा मारपीट हुआ है तो सर, राति भी हुआ है, पहले भी हुआ, केस मुकदमा भी हुआ। इससे पैसा देता है सर तो थानो दमक जाता है। कुछ क्षति भी हुआ है आपका? मेरा घर द्वार इसका चुरा है ना, मारा तो मेरे सब के पास चला गया सर। तो हम लोग का गौतिया है तो दया मिया लगबे नहीं रहेगा सर। अच्छा रहो ना, पर मारते देखे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रीता देवी। कौन है आपकी? मेरा छोटका ससुर का पुतहू है सर। आज बापू का शहादत दिवस है, इसको लेकर भागलपुर में भी पीस परिधि सेंटर द्वारा सलाम बापू कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के स्टेशन चौक पर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पीस परिधि सेंटर संस्थान के द्वारा 26 जनवरी से ही लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान गांधी के विचारों को जन जन तक बताया जा रहा था। आज इस कार्यक्रम का समापन भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। पीस सेंटर परिधि की ओर से गांधी शहादत पर ये कार्यक्रम रखा गया है। गांधी को सलाम, बापू को सलाम। और पिछले 26 तारीख से, 26 जनवरी से गणतंत्र से गांधी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है और हम ये याद कर रहे हैं गांधी को कि किस तरह से एक सिपाही ने गांधी की हत्या की थी, ये हम याद रखें। और गांधी केवल भारत ही नहीं, भारत के आज़ादी के ही नायक नहीं थे, बल्कि आज दुनिया जिस सवालों को फेस कर रही है, जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गांधी जी ने इसके लिए एक वैकल्पिक विकास के मॉडल की बात कही थी, इसलिए पूरी दुनिया गांधी